आज माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में नो पॉलिसियां जो एक बहुत बड़ी बात है, एक साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उनका विजन है कि राजस्थान के उत्थान के लिए और विकसित भारत में विकसित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने आज कैबिनेट में पारित की गई। साथ में राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायत राज संस्थाएं एवं नगर पालिकाओं के लिए सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन को प्रस्ताव और आयोग के विचाराधीन विषयों का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। सातवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। नगरीय विकास में बीते कुछ समय से प्रदेश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, शहरों के विकास तेजी से हो रहा है, जिस कारण शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बसावट बढ़ रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कार्मिक कल्याण के लिए बताऊं, परिवर्तित बजट 2024-25 वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगतियों एवं वेतन सुधार संबंधी सिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की गई थी। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद सेवानिवृत्त आईएएस श्री खेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने के वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशें लागू की जा रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद को सीधी भर्ती हेतु वांछित अनुभव संबंधी योग्यता के प्रावधान को विलोपित करने का अनुमोदन भी आज की मंत्रिमंडल बैठक में किया गया है। अब तक आयुष विभाग में वर्तमान में आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चयन शैक्षणिक योग्यता BAMS MUMS एवं BHMS के प्राप्तांकों पर बोनस के आधार पर सीधी भर्ती किया जाता रहा है, जबकि अन्य पदों पर कार्मिकों का चयन RPSC द्वारा भर्ती के माध्यम से किया जा रहा है। नियमों में समरूपता लाने के उद्देश्य से आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर अब RPSC के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजन कर किया जाएगा। इस संबंध में सेवा नियमों में संशोधन को आज मंत्रिमंडलीय बैठक में मंजूरी दी गई है। समान पात्रता परीक्षा पुलिस विभाग में बताऊं के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी, जबकि RAC और MBC कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए अब तक शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी निर्धारित की गई थी। इस कारण RAC और MBC के कांस्टेबलों के पदों में भर्ती नहीं हो पा रही थी। इसको देखते हुए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संगत नियमों में संशोधित करते हुए RAC और MBC कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी के स्थान पर सीनियर सेकेंडरी के जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिमंडलीय बैठक में लिया गया है। मैं मान्य आप आगे की बताइए। मित्रों, 2024 का वर्ष
धीरे 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 अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है और राजस्थान के विकास की नई दिशा, नई दशा और विकसित प्रदेशों में गिनती होने के लिए राजस्थान प्रदेश 2025 की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी से निमित्त आज मंत्रिमंडलीय बैठक में इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसकी कल्पना शायद राजस्थान प्रदेश के आप आवाम ने पहले नहीं की होगी। आप सभी मित्र रोज पीसी के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और आंकलन भी करते हैं। आपका आंकलन पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक का आंकलन आपकी मार्फत और जाता है। आज जो मेरे साथी ने राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली नौ नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान के प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम आएंगे। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति बनाई गई। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन में कैसे उत्पादन में अधिक से अधिक जिलों को अपने अपने जिले के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले उसके लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 बनाई गई। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 बनाई गई। पर्यटन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिहाज से चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सीकर हो, ये हमारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन में हमको बहुत बड़ा पोटेंशियल मिलने वाला है, हमारा विदेशी मुद्रा मिलती है। इसीलिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 बनाई गई। और दूसरा खनिज जो हमारे ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत सबसे अधिक फोकस हमने किया गया इस वर्ष, जिससे राजस्व सबसे अधिक आपने अनेक बार आपके समाचार पत्रों में उसका आंकड़ा छापा है। इतने वर्षों के उपरांत इतना अधिक राजस्व हमको खनिज की मार्फत मिला है, बजरी की खनिज अलॉटमेंट का हो, दूसरी जो हमारा मटेरियल उसके संबंध में हो, तो इसको और प्रोत्साहित करने के लिए खनिज नीति 2024 लाइए। और एक आपकी मार्फत रोज हर क्षेत्र में विवाद आता है कि बजरी माफिया पनप गए, बजरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बजरी के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी असर पड़ता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए बजरी के लीज आवंटित हो रही है, वो बहुत गति से आवंटित हो रही है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज राजस्थान में एक नया उजाला किया है, राजस्थान एम्स एंड नीति, जो हमारा एम्स एंड है, जो दूसरे तरह के मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट है, जो पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसको उपयोगी बना करके बजरी का सब्स्टिट्यूट करने के लिए राजस्थान एम्स एंड नीति लाई है। और राजस्थान प्रयोग प्रोत्साहन नीति के जो हमारा एक्सपोर्टर्स है उसको कितनी आवश्यकता है, वो वर्ल्ड में कैसे दूसरे देशों की कंपटीशन में आ सके, अपना निर्यात बढ़ा सके, कहाँ कहाँ उसको परेशानी हो रही है, उसको दूर करने के लिए ये राजस्थान प्रोत्साहन नीति लाई है। आप अनुमान लगाइए 2023-24 में हमारा एक्सपोर्ट का जो कोटा है 23,000 करोड़ के लगभग 23,700 करोड़ का है और हमारा लक्ष्य है कि इसको बढ़ा करके कितना करना, वो आंकड़ा बताओ उससे पहले अभी हमारा स्थान इंडिया में 13वां है एक्सपोर्ट में, हम जो इंडिया में जितने हमारे प्रदेश उसमें 13वां है। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको बढ़ा करके 10वें स्थान पर आना है। एकदम हम कहते पहले स्थान पर आएगा तो संभव नहीं, क्योंकि कोई कहना और करने में बहुत फर्क है, 10वें स्थान पर लाना है। और इसमें विशेषकर हमको इंजीनियरिंग का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, धातु उत्पादन, पत्थर, हैंडीक्राफ्ट, सैंडस्टोन, ये सारे इतने हैं जिसको हम आगामी 5 वर्षों में 1.25 से 1.25 लाख करोड़ तक बनाने का हमारा लक्ष्य है। और हमारा संकल्प है कि शायद ये 10वें से 5वें स्थान पर भी अगर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया तो हम इंडिया में इसे लक्ष्य में आएंगे।
और इसकी सब्स्टिट्यूट जरूरी है। इसीलिए आज हमने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पार्कों, बायोमास परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं एवं स्टोरेज आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दी है। तो ये 9 नीतियां इसीलिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि हमारा राजस्थान एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बने और हिंदुस्तान में हम आगामी 3-4-5 वर्षों के अंदर अंदर 10वें विकसित राज्य के रूप में प्रोत्साहित, ये मोटे मोटे रूप में था। एक विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा, आप सब अनेक सांख्यिकी दृष्टि से भी देखते होंगे, हमारे स्टेट की जीडीपी अभी 3% जीडीपी हमारी, हमारा लक्ष्य है कि इसको हम 2025 तक 5% तक और 2047 तक 8% ले जाने का हमारा संकल्प है। और जब तक हम 2047 तक 8% नहीं ले जाएंगे, हम हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों के कंपटीशन में विकसित प्रदेश 1, 2 और 3 की स्टेज पर नहीं आएंगे। रोजगार अभी हमारा 35 लाख के लगभग है, इसमें उद्योग है, खनिज उद्योग में हम 2025 से 25 लाख और 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार इसमें सेक्टर में देने का भी लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। और इसी के तहत हमारी इंडिया पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करना, इसी जो मिलती है, जो फॉर्मेलिटी जो होती है, इसी देना वो देना सब एक ही साथ। और आज हमने जो नीति बनाई उसमें तय किया है कि कोई भी माइनिंग लीज, माइनिंग एरिया देने से पैसे, इसी जितनी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने के बाद ही ऑक्शन करें। इसीलिए हमारे एलोटीज को बार बार विभाग में नहीं घूमना पड़े, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़े, इसी की वजह से माइन शुरू नहीं हो रही, उसकी वजह से शुरू नहीं हो रही है, इन सब के शेयर ये हिस्टोरिकल चेंज राजस्थान के इतिहास में है। और ये सब इतिहास में इसीलिए है कि हमको राजस्थान को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाना है, जिसमें आपके सहयोग भी अपेक्षा है, आप भी हमारे नागरिक हैं। और दूसरा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो इंतजार कीजिए। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कि राजस्थान में आप कौन से नए लॉ लाने वाले हैं, और साथ ही साथ, अच्छा ये दबा नहीं था, अब दब गया, साथ ही साथ हमारे राजस्थान में ये जो मैंने पॉलिसीज बताई, इसको और स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे एससी एसटी भाई भी हमारे लिए उतने जरूरी है। हमारे समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म को एक साथ विकास होगा तभी राजस्थान प्रदेश का विकास होगा। राजस्थान क्लीनेंसी एक्ट की धारा 16 और राजस्थान क्लीनेंस की धारा 42B के कारण हमारा जो एससी वर्ग का भाई है उसकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसी को एससी वर्ग को ही ट्रांसफर हो सकती, दूसरे वर्ग को ट्रांसफर नहीं, तो वो इस कंपटीशन में कहीं कहीं हमसे पिछड़ जाता है। तो उसका आज एक नया इतिहास कायम हुआ है, हमारा एससी का एसटी का कोई भाई अपनी खुद की जमीन अगर कन्वर्ट करवा देता है तो जितनी पूर्व के जो खर्चे लगते थे, फॉर्मेलिटीज होती थी, उन सबको कम कर दिया है। वो जाके तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगावे, अपनी खुद की जमीन का कन्वर्ट करवा दे, चाहे उद्योग के लिए करावे, होटल के लिए करावे और किसी के लिए करावे, और उसमें उसको खर्चा भी मिनिमम बहुत कम कर दिया है जो उसको अफोर्ड कर सके, और फॉर्मेलिटीज कम करने, घूमने के लिए जयपुर आने की जरूरत नहीं, जोधपुर या जिला मुख्यालय पर जाने की जरूरत नहीं, संबंधित तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगाएगी, उसकी भूमि कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट होने के बाद वो स्वयं अपना उद्योग लगावे, अन्य के पार्टनरशिप में कोई बड़ा उद्योग खड़ा करे, होटल लगावे या कॉमर्शियल उपयोग लेवे। ये भी एक रेडिकल चेंज है। इसमें हमारा फोकस ये रहा है कि जमीन हमारे ऐसे भाई बहन की उसी के पास रहे और वही उसमें जमीन को डेवलप करे और वो अपना स्वयं का धंधा करे, इसलिए उनका भी इसी के साथ विकास होगा। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, हम पाकिस्तान से सबसे नजदीक बॉर्डर में रहने वाले प्रदेश के लोग हैं, और आप रोज आए दिन सुनते हैं घुसपैठिए, आजकल ड्रग सप्लायर्स ऊपर से सीधा फेंक देते हैं, और इन सबको रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे ये कहा है कि आप लैंड अलॉट कीजिए और हम हमारे जो वायर फेंसिंग है जिसका आपको बिल्कुल जानकारी, उसके पैरेलल पूरी रोड बनाएंगे ताकि मॉनिटरिंग पूरी हो सके, वहां से हमारे साथ बीएसएफ का व्हीकल है, साथ मिलिट्री का व्हीकल है, वो आराम से गुजर सके, देख सके, मॉनिटरिंग कर सके। इसके लिए वायर फेंसिंग के
पैरेलल हम जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट रोड बनाने की जमीन मांगेंगे, हम उनको मिनिमम प्राइस पर उस जमीन को अलॉट करें। ये भी आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। अब उसके बाद आपके सामने एक आता है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतर कानून। इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न में जेल चुका हूं, आप रोज पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा इसमें पेश करके इस कानून को हम पास कराएंगे। इंडिया में आज से पहले, आप सभी जानकार है, इंडिया में आज से पहले उत्तर प्रदेश में हो गया 2021 में, और मध्य प्रदेश में हो गया 2021 में, और उत्तराखंड में हो गया 2018 में, गुजरात में हो गया 2021 में, हिमाचल प्रदेश में हो गया 2019 में, झारखंड में हो गया 2017 में, और कर्नाटक में हो गया 2022 में, और मित्रों करीब ध्यान से सुनना, उड़ीसा में हो गया था 1967 में। और भी प्रदेशों ने किया है और आज हमने भी किया है। इसमें संविधान का आर्टिकल 25 हम सब को अंतरकरण से अपने धर्म को मानने की शक्ति प्रदान करता है। हम सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं, उसको मानते हैं। धर्म की मान्यता हमारे लिए सब है, अपने अपने इच्छा अनुसार अपने जन्म के अनुसार धर्म अपनावे, पूजा पद्धति अपनावे, उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमारे इस सदाचार को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को प्रलोभन देकर, आर्थिक शब्द बात दिखाकर, गलत तवज्जा देकर, उसकी अनपढ़ता, बलमानसता, आर्थिक कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर, अन्य के तरह से प्रलोभन देकर, वास्तविक से अनुरोध कराकर, परिवार और अन्य लोगों से या रिश्तेदारों से बिना जानकारी करवाए या प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मानते हैं। और इसको रोकने के लिए आज हमने ये कानून लाया है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसके सजा के प्रावधान है या इसका रोकने के तरीके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेंगे तो फर्स्ट बार में होता है तो 1 से 5 साल की सजा है। हमने भी इसमें 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया है, फर्स्ट टाइम अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। और अगर कोई नाबालिग है, महिला है, बहन है, या एससी और एसटी का कोई भाई है, और उसका अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, जिस कैटेगरी का धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन बताइए, तो उसे 3 से 10 साल की सजा है। और हमने भी इसमें ऐसी सजा के प्रावधान किए हैं मध्य प्रदेश। और अगर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कोई रिपीट करता है या समूह में धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें सजा के प्रावधान ज्यादा है, 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी लगभग इतना ही है, उत्तराखंड में भी लगभग ऐसा ही है, पर गुजरात, झारखंड और कर्नाटका में सजा के प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। उन सब का समायोजन कर हमने इसमें सजा के प्रावधान किए, रोकने का प्रयास किया है। और साथ अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो 60 दिन पूर्व संबंधित कलेक्टर को, जिसको जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, को इतला दे करके अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी शिक्षा से अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें वो अलग होता है, लेकिन प्रक्रिया जो बताई गई है वो प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी। ये धर्म परिवर्तन के संबंध में भी आज हमने महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है। और मुझे विश्वास है कि इससे जो समाज में व्यवधान पैदा होता है सामाजिक व्यवस्थाओं, और ये लव एंड रिलेशन की वजह से समाज में विभिन्न प्रकार की विकृति आ रही है, और आपने साक्षी हैं, अब हम सबके विधानसभा के गत बजट सत्र में हमारे सभी पक्षों, चाहे वो कांग्रेस का हमारा विधायक साथी है या बीजेपी का विधायक साथी, सभी ने एक स्वर में कहा है कि इस संबंध में ये जो समाज में विकृति आ रही है, हाँ स्वतंत्र भाई और बहन है, बेटा है, बेटी है, उसको अधिकार है वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ शादी करे, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि वो किसी न किसी कारण प्रलोभन आकर के उसके कुछ समय बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक परंपराओं को भी मद्देनजर रखें, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार को हम समाप्त नहीं कर सकते, उसका अधिकार है, लेकिन हमारी सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भी
अगर कोई लफ्ज याद कराता है तो उसको भी रोकने का इसमें प्रावधान किया गया है। कोई कन्वर्सन करवा करके इसका फायदा लेना चाहता है रिजर्वेशन का, उसमें भी हम विचार कर रहे हैं। और कोई शादी के नाम से विवाह करके इसका अन्य दूसरे उपयोग करना चाहता है उसको भी रोकने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारा मेट्रो के फेस 2 और 3 की भी हमने इसमें मंजूरी दी है। और जयपुर के ट्रांसपोर्ट को व्यवस्थित करने हेतु मेट्रो फेस की मंजूरी के साथ ही साथ अनेक राजस्थान के विकास में, राजस्थान के विजन में, राजस्थान का समग्र विकास हो, राजस्थान एक विकसित और समृद्ध प्रदेश हो, इस हेतु आज की एक मिनट नाम बताया ना आपको, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन बिल 2026, और जिस विधानसभा में पास हो जाएगा बिल की जगह एक्ट आ जाएगा। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन बिल 2026 भूमि आप एक एक आराम से तसल्ली से एक बात कंप्लीट हो जाए फिर आराम से पूछना। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे किसी भाई और बहन को जीवन में तकलीफ नहीं हो, विकास की हो, इसीलिए पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे एक लोक कल्याण की सरकार, पहले भी हमारी जो कर्मचारियों के वेतन विसंगति का इशू था, 2 बार कमेटी हुई, इस बाद में पूर्ववर्ती सरकार ने रिटायर्ड आईएएस खेम संजी की खेमराज जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। आज हमने उनकी वेतन विसंगतियों के जो भी सुझाव है उनको स्वीकार किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी शुरू करेंगे। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लव्ज याद को धर्म परिवर्तन, धर्म जबरदस्ती धर्म रूपांतरण का अंदर माना गया है। सजा अलग अलग तरह की है, एक बार पहली बार करता है नाबालिग है, एससी है, एसटी है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, पहले 1 से 5 है, फिर अलग है, अलग अलग प्रोविजन किए सब। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी को प्रलोभन देकर, उसकी जानकारी नहीं करवाकर, उसको आर्थिक परिलाभ देकर, झूठे शब्द बात बताकर, उसकी इच्छा को बिना पूरी जानकारी करवाए ही अगर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है तो उसको जबरदस्ती या धर्म परिवर्तन की परिभाषा में लाया जाता है, उसकी विस्तृत डेफिनेशन दी गई। ये पटेल साहब, जो आपने जमीन के बारे में जो बताया कि भाई वो ये नहीं सब पीछे नहीं रहने, और वो जमीन को जाति की उसको भी समाज के अन्य हिस्सों के बराबर अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए भी उसको अधिकार होगा, इसीलिए उसको एक सुविधा दी। अब तक था कि वो अगर कन्वर्ट कराना कराने का अधिकार था, पर कॉमर्स बहुत जटिल प्रक्रिया थी, कलेक्टर पास जाओ, फिर गवर्नमेंट को भेजो, कन्वर्सन के चार्जेस बहुत ज्यादा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, कर्जन के चार्जेस कम, बिल्कुल कम कर दिए और तहसीलदार को पावर दी। तो इसने देखिए भाई साहब समझिए, पहली तो जटिल प्रक्रिया को समाप्त सरलीकरण कर दिया, एक सेकेंड, दूसरा उसको जो कॉमर्शियल पैसे लगते थे वो कम कर दिए, तीसरा जिला हेडक्वार्टर पर या सरकार के पास जयपुर आने की आवश्यकता नहीं, तहसीलदार को पावर दे दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, तहसीलदार को पावर दे दिया। सर मेरा सवाल ये है, राजस्थान में पहले की तरह से बदल लेना एक कानून बनाया था, जो आपको वो राष्ट्रपति की आप रैंकिंग पर रहे वो वहां से वापिस आ गया अपडेट हो जाए, वहां से वापिस आ गया, उसके बाद ही नया कानून बनाया। अभी ऑर्डिनेंस अभी ऑर्डिनेंस से विधानसभा पेश होगा तब एक्ट बन जाएगा। अभी इसको ये ऑर्डिनेंस कब से जारी करेंगे? अब ये अभी हम इसको अभी बता देंगे, शीघ्र ही जल्दी इसकी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद इसको जारी करेंगे। एक पॉइंट और बताइए, ये उत्तराखंड का लिविंग रिलेशन वाला था वो भी डिफाइन किया, उसको भी डिफाइन किया,
आप पढ़ेंगे तो पूरा हम आपको एक्ट देंगे, बहुत लंबा है, अगर बात करें तो पूरी इसी पे भी सीजावत पार होगी। तो धर्मांतर बताइए, से जुड़ा हुआ है सर, पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये तो धर्मांतरण का ही है। और ये रूट इसमें दिया हुआ है, जॉइंट वेंचर है। पॉलिसी का नाम वापिस पढ़ लूंगा, एक मिनट वो मांग रहे हैं उनकी पूर्ति करो आपके फिर। एक मिनट बता रहा हूँ, पहला है राजस्थान एमएसएमई नीति 2006, एमएसएमई नीति लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम नीति 2006, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2006। दूसरी राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2006। तीसरी राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2006। तीसरा चौथा राजस्थान AVGC-XR नीति 2006। राजस्थान सभी बोलूंगा एक ही यही राजस्थान AVGC-XR नीति 2006। पांचवा राजस्थान फुल फॉर्म में बता दूंगा, एमिलेशन विजुअल डिफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स राजस्थान को अग्री बनाने के लिए इसका। चौथा पांचवा राजस्थान पर्यटक इकाई नीति 2006। छठा राजस्थान खनिज नीति 2006। सातवां राजस्थान एम सैंड नीति 2006। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2006। और अक्ष राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2006। संवर्धन नीति अलग है, अक्षय नीति अलग है, प्रोत्साहन नीति अलग है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा मेट्रो का रूट, हाँ हाँ मेट्रो का रूट बता रहे अध्यादेश, अध्यादेश नहीं, आज हमने इसको ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया है, अब ऑर्डिनेंस बनेगा सकता है। वर्तमान में संचालित वो मेट्रो के रूट, जयपुर मेट्रो फर्स्ट ए मानसरोवर से सांतपोल, फेज वन बी सांतपोल से बड़ी शॉपर, ये दोनों रूट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आइए हम सब मिलकर के राजस्थान को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनावें। इस अमृत काल की नीति में आपके सहयोग से हम सब आगे बढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें पेंडिंग रखिए, कुछ बातें पेंडिंग रखिए।